अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और आज ईद का पहला दिन है और मैंने मेकअप जो किया था, मैंने कहा क्यों उसकी वीडियो मैं बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी फाइनल लुक थी और नेल का जो है मैंने खुद ही नेल आर्ट किया था। और अच्छा जी, अब मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं किया, फिर फेस वॉश मैंने सिर्फ टोनर यूज़ किया है। तो अब मैंने आईब्रोज़ की फिलिंग करनी है। अब जो है इसको ब्रश करना है, ठीक है, सेट करना है। उसके बाद जो है आईब्रो मस्कारा जो होता है, जेल मस्कारा, वो अप्लाई करना है। और अब आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन यूज़ की है, नॉट टू मच, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। इसको अच्छी तरह ब्रश के साथ ब्लेंड किया, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया है। अब कंसीलर जो है, अब मैंने कंसीलर यूज़ करना है। आपको जिन एरियाज़ में यूज़ करना है आप कर लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने यहाँ पर जो है ना आँखों के ऊपर कंसीलर लगाया है, थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी, थोड़ा सा चिन पे, और थोड़ा अपने नोज़ पर जो है ना उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। और इसके बाद जो है उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह जो है ना उसको ब्लेंड कर लेना, ठीक है। ब्लेंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, इसलिए मैंने वो चीज़ें जो है ना बीच में से कट कर दी हैं, तो ताकि वीडियो जो है ना उतनी लंबी ना बने, ठीक है। ये सारी ब्लेंडिंग हो गई हमारी। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ पाउडर जो है ना अंडर आई लगाना, क्योंकि कंसीलर को सेट करने के लिए। ये हो गया। अब जो है एक कोई भी कंटूर कलर, ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर लेकर आपने आईज़ पे जो है मैंने लगा लिया है, तो ऐसा ऐसा जो है थोड़ा सा उसके आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है कि थोड़ी सी शेप जो है ना डिफ़ाइन हो जाए आई की, ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल लाइट सा। तो हाँ जी जी, अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड 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 कर लेना है, ठीक है, कहीं भी कोई हार्श लाइन ना रह जाए। इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया है, अच्छी तरह, जितना अच्छी तरह आता है उतना कर लें, ठीक है। ओके जी, अब वही कलर जो हमने नीचे आंखों के लगाना है बिल्कुल लाइट सा। और ये ब्रश जो पेंसिल ब्रश होता है, यहाँ पे कॉटन ब्रश से भी लगा सकते हैं। और ये जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो है पॉकुलर की जो है ना आई पेंसिल है, तो वो मैंने आईज़ के ऊपर भी लगाई है और नीचे भी लगाई है, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, ठीक है। इसको आईज़ पे भी लगाया है, ऊपर और नीचे भी। और ये इनका ग्लिटरी कह लें, शिमरी आई शेडो है, इस टाइप का कुछ है फोकोलर का। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा जो सेंटर में आईज़ के लगाया है, थोड़ा सा शाइनी सा और ग्लोसी सा आई मेकअप के लिए, ठीक है। और इसको आप उंगली से भी, अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और जो फ्लैट ब्रश होता है उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको आई का जो फ्लैट ब्रश होता है उससे थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है। तो लाइनर मैंने स्किप कर दिया, तो थोड़ा सा काजल पेंसिल जो है ना आँखों के अंदर लगाई है, और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर जो है ना शेप को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा तो उसको लगाना है। उसके बाद उसको स्मच कर देना किसी भी लाइट से ब्राउन कलर के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉटन ब्रश से ना उसको थोड़ा सा उसको स्मच करने की ट्राई की है, ताकि ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना लाइनर की लुक आए। अब हमने मस्कारा लगाया। अब मैंने मस्कारा लगाने के बाद जो है ना इसको कर्ल किया, ठीक है। अब आप कोई भी ब्लश कर लें, मैं यहाँ जो है ना पीची शेड का जो है ना ब्लश यूज़ कर रही हूँ अपने चिन पे, और काफ़ी सारा लगाया है ताकि अच्छा लगे और सॉफ्ट मेकअप लुक आए, ठीक है ना, समर के हिसाब से। और यहाँ जो है ना लिपस्टिक लगा लें अपनी चॉइस की, और हाइलाइटर जो है लगाया है, स्टिक हाइलाइटर यूज़ किया है, और कुछ आँखों के इनर कॉर्नर पर लगा लिया है। ओके जी, और ये जो है लास्ट में जो जो है अब सेटिंग स्प्रे लगाएं, ताकि मेकअप स्टे भी करे और पसीना भी ज़्यादा ना आए, ठीक है। ये है जी फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो बस कम से कम मेकअप करें, ज़्यादा मेकअप भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि गर्मियाँ हैं। और आपकी भी सबकी जो है ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरें अपने घर वालों के साथ, और मुझे अपनी दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।